आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं की सुनवाई और त्वरित समाधान के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनसुनवाई में जिले के कई फरियादी प्रार्थना पत्रों के साथ अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। वहीं जन समस्याएं सुन उनके निराकरण के साथ सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण और राजस्थान संपर्क पोर्टल की भी विस्तृत समीक्षा की गई। त्रिस्तरीय जनसुनवाई में बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, चौटन विधायक आदुराम मेघवाल, शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी और उपखंड मुख्यालय के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे। जिला मुख्यालय पर बाड़मेर पंचायत समिति सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई के अलावा नियमित तौर पर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनका गुणवत्ता के साथ त्वरित निस्तारण करें। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने कहा कि जनसुनवाई में आमजन की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली परिवेदनाओं को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। विभागीय अधिकारी टीम भावना के साथ संवेदनशील रहकर आमजन की परिवेदनाओं का निराकरण करें, इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर ने गुरुवार को जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों को ससम्मान कुर्सी पर बिठाकर उनकी परिवेदनाओं को सुना। इस दौरान चौटन विधायक आदुराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी उपस्थित रहे। जिला स्तरीय जनसुनवाई में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान आमजन की ओर से आम रास्ता खुलवाने, सरकारी और गोचर भूमि से अतिक्रमण हटवाने, तिलकनगर में नाले की सफाई करवाने, बालेरा से रड़वा पानी की पाइपलाइन सही करवाने, आम रास्ता और नेकमबंदी की पालना करवाने, अवैध निर्माण रुकवाने, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने, पट्टा निरस्त करवाने, ट्राई साइकिल दिलवाने, कृषि आदान अनुदान और बीमा क्लेम दिलवाने, नया नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करवाने, विद्युत कनेक्शन करवाने, बेरोजगारी भत्ता दिलवाने, पालनहार योजना का लाभ दिलाने समेत विभिन्न प्रकार की परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। जिला कलेक्टर ने कई परिवेदनाओं का मौके पर निस्तारण करने का निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को अन्य परिवेदनाओं को यथाशीघ्र निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान आमजन की ओर से 100 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर किसी के घर के सामने बिजली का खंभा टेढ़ा, सभी लोग मौके पर मौजूद रहते हैं, तो आप ऐसे जो हार्ड कोर केसेस हैं जो किसी बंदर से बाड़मेर जिले के प्रभारी सचिव सुबीर कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े। उन्होंने जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले परिवेदनाओं को प्राथमिकता से निस्तारित करते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनी चामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत, यूआईटी सचिव श्रवण सिंह राजावत, उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी, जिला कोषाधिकारी जसराज चौहान, जिला रसद अधिकारी कमराराम, तहसीलदार तेजपाल पाड़ा, उपनिदेशक जसवंत गोड़, पुलिस उप अधीक्षक रमेश कुमार शर्मा, आयुक्त विजय प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियंता सूराराम चौधरी, अशोक कुमार मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुरलीधर यादव समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।